What matters the most? Bharat matters. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। तो सो हाल ही में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक चौंका देने वाली स्टडी को पब्लिश किया, जिसके मुताबिक आज भारत में डायबिटीज के शिकार लोगों की संख्या 101 मिलियन पहुंच चुकी है। साथ ही देश में 136 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी एंट्री प्री डायबिटीज स्टेज में हो चुकी है। रिसर्चर्स के अनुसार प्री डायबिटीज स्टेज वाले ऑलमोस्ट 50% लोग अगले 5 साल के अंदर डायबिटीज के पेशेंट बन सकते हैं। द लैंसेट डायबिटीज एंड एंड्रोक्रोनोलॉजी नाम की जर्नल में पब्लिश की गई इस स्टडी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में साल 2008 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच कंडक्ट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉपुलेशन में डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस को एस्टिमेट करना था। रिसर्च में भारत के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 1,13,000 से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें रूरल और अर्बन पॉपुलेशन दोनों प्रोपोर्शनली शामिल थे। फाइनल डेटा के अकॉर्डिंग आज हर 4 इंडियंस में से एक या तो डायबिटीज की समस्या से जूझ रहा है या फिर प्री डायबिटीज की स्टेज में है। यदि हम साल 2019 से कंपेयर करें तो ये संख्या अप्रॉक्सिमेटली 44% इंक्रीज हुई है। डायबिटीज के अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी इंडियन पॉपुलेशन के बीच दूसरी बड़ी समस्याएं हैं। ICMR के ही डेटा के अनुसार 315 मिलियन इंडियंस हाइपरटेंशन और 213 मिलियन इंडियंस हाइपर कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं। वहीं 254 मिलियन इंडियंस ओवरवेट और 351 मिलियन यानी देश की 39.5% पॉपुलेशन को एब्डोमिनल ओबेसिटी है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने बॉडी मास इंडेक्स के अलावा एब्डोमिनल ओबेसिटी को भी कंसीडर किया। इसकी वजह यह है कि अक्सर इंडियंस में और खासकर वुमेन में बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल होने के बावजूद एब्डोमिनल ओबेसिटी देखने को मिलती है। इन रिजल्ट्स को देखने के बाद ये पता चलता है कि इंडिया डायबिसिटी की महामारी से पीड़ित है। डायबिसिटी एक ऐसी टर्म है जिसका इस्तेमाल ओबेसिटी और डायबिटीज के कोएग्जिस्टिंग कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। डायबिसिटी अपने आप में एक एपिडेमिक यानी महामारी है, जहां एक लार्ज पॉपुलेशन सेम टाइम पर सेम डिजीज से सफर करती है। डायबिसिटी को साइलेंट एपिडेमिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में 50% डायबिटीज पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि वह इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों और कैसे भारतीय इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं, किस तरह ये हमारे जीवन को प्रभावित करेगा और कैसे बचने के कुछ उपाय हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के हेल्थ सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दूसरे देशों के मुकाबले भारत में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। जहां इंडियंस में दूसरे एथनिसिटीज के कंपैरिजन में डायबिटीज का ज्यादा रिस्क होने का मेन रीजन है जेनेटिक्स, क्योंकि स्टडीज ने यह प्रूव किया है कि सेम एज और बॉडी मास इंडेक्स वाले वेस्टर्न इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में इंडियंस और दूसरे साउथ एशियंस इंडिविजुअल्स में डायबिटीज डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो भारतीयों में डायबिटीज डेवलप होने की एज यूरोपियंस की तुलना में 10 या 20 साल कम होती है। उदाहरण के तौर पर 2021 में जर्मनी में डायबिटिक पेशेंट की एवरेज एज 53 ईयर्स थी। उदाहरण के तौर पर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन जनरल बताती है कि 2015 में जर्मनी में डायबिटिक मेन की एवरेज एज 61 ईयर्स थी, वहीं वुमेन की 63.4 ईयर्स, जबकि भारत में 46% डायबिटिक पेशेंट्स 40 ईयर्स से कम एज के थे। ICMR की यूथ डायबिटीज रजिस्ट्री से ये पता चलता है कि भारत में अंडर 25 एज के हर 4 में से एक इंडिविजुअल टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है, जो कि जनरली ओल्डर एडल्ट्स को स्ट्राइक करने वाली इलनेस होती है। इसी तरह SBI जनरल इंश्योरेंस क्लेम एनालिसिस में साल 2016 से 2018 के बीच 18 टू 35 एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स के लिए डायबिटीज रिलेटेड क्लेम्स की संख्या में 73% इंक्रीजमेंट रिकॉर्ड की गई। वहीं 35 से 45 एज ग्रुप वालों के क्लेम नंबर में 32% इंक्रीज देखा गया। मेडिकल जर्नल डायबिटोलॉजी अब बताती है कि आने वाले समय में भारत में आज जो युवा 20 साल की उम्र के करीब हैं, उनमें से लगभग 50% से ज्यादा मेन और अप्रॉक्सिमेटली 2/3 वुमेन उनके लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज का शिकार हो जाएंगी। इंडियंस में डायबिटीज का दूसरा बड़ा कारण है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। भारत में कॉकेशियंस रेस
या ब्रॉडर सेंस में कहें तो यूरोपियन रेस वाले लोगों के मुकाबले हायर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि हमारे सेल इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। इंसुलिन का काम ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है, और जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तब बॉडी सेल इंसुलिन को नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसके चलते ग्लूकोज सेल में इजिली एंटर नहीं कर पाता और इस वजह से ये ब्लड में अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो टाइप 2 डायबिटीज को जन्म देता है। यदि हम यूरोपियन से कंपेयर करें तो सेम अमाउंट में कार्ब्स कंज्यूम करने पर हमारा ब्लड इंसुलिन लेवल ज्यादा हाई हो जाता है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन से पता चलता है PPAR गामा जीन का प्रो एला पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि यूरोपियंस को डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस से प्रोटेक्ट करता है, वो इंडियंस को डायबिटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते अपीयर नहीं होता, जिसके चलते हम यूरोपियंस के मुकाबले जल्दी डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। ऑल्दो साइंटिस्ट अभी तक इसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं लगा पाए हैं, दीज आर जस्ट हाइपोथेसिस। हालांकि कुछ रिसर्चर्स ये सजेस्ट करते हैं कि यूरोपियंस के कंपैरिजन में भारत का शॉर्टर स्टेचर और लोअर लीन मास इसकी वजह हो सकता है। वहीं कुछ रिसर्चर्स के अनुसार लो बर्थ वेट भी इसकी एक वजह हो सकती है। साथ ही क्योंकि इंडियन वेमेन जनरली यूरोपियन वेमेन के मुकाबले शारीरिक रूप से दुबली होती हैं, इस वजह से फीटस को कम न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो पाता है, और यूरोपियंस के मुकाबले इंडियन न्यूबॉर्न का एवरेज बर्थ वेट लो होता है। इंडियन न्यूबॉर्न का एवरेज वेट 2.8 से 3.2 केजी होता है, वहीं यूरोपियन न्यूबॉर्न का एवरेज वेट 3.5 केजी होता है। साइंटिस्ट के अनुसार लो बर्थ वेट होने के कारण इंडियन चिल्ड्रन का नॉन ब्रेन ऑर्गन का मास भी कम होता है, वहीं चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के दौरान जब ये वेट गेन करते हैं तब बॉडी में मेटाबॉलिज्म लोड इंक्रीज हो जाता है, जो कि पॉसिबली इंडियंस में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होने का एक कारण हो सकता है। दोस्तों, हम भारतीयों में डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होने के लिए सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स ही जिम्मेदार नहीं है। जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा कंटेम्प्रेरी इंडिया में डायबिटीज इंक्रीज होने का सबसे मेन रीजन है भारत में लाइफस्टाइल चेंजेस। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में करंट डायबिसिटी यानी कि डायबिटिक्स प्लस ओबेसिटी एपिडेमिक के पीछे का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल चेंजेस। दोस्तों, भारत करंटली एक रैपिड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के थ्रू गुजर रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। डेटा बताता है कि भारत की टोटल 35.39% पॉपुलेशन आज अर्बन एरियाज में रहती है, और ये नंबर हर साल 2.3% इंक्रीज हो रही है। इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन का असर यहाँ के नेचर ऑफ डिजीज और डिजीज पैटर्न पर भी देखने को मिल रहा है। इस बात को हम सब अच्छे से जानते हैं कि अर्बनाइजेशन लोगों के लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है। अर्बन एरियाज में ज्यादातर जॉब्स सेडेंट्री नेचर के होते हैं, यानी वहां पर काम करने वाले लोग घंटों एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं, जबकि रूरल एरियाज में जॉब्स जिसे करने में बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। इसका मतलब है व्हाइट कॉलर जॉब्स करने वाले इंडिविजुअल्स को मिनिमल फिजिकल लेबर की आवश्यकता होती है, जिसे उनका बॉडी मास इंडेक्स ब्लू कॉलर जॉब्स करने वाले इंडिविजुअल से ज्यादा होता है। इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन बायोलॉजी जर्नल बताती है कि व्हाइट कॉलर जॉब वाले इंडिविजुअल्स का एवरेज BMI ब्लू कॉलर जॉब वाले इंडिविजुअल से 1.17 kg पर मीटर स्क्वायर ज्यादा होता है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ही देन है कि इंडिया में सेडेंटरी ऑक्यूपेशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो डायरेक्टली हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए डायरेक्टली हमें ओबेसिटी का शिकार बनाते हैं। आलम यह है कि आज भारत में 64% एम्प्लॉइज एक दिन में 9 घंटों से भी ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल इंडिविजुअल में हार्ट डिजीज और ओबेसिटी और डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ा देती है। हाल ही में कंडक्टेड एक स्टडी बताती है कि भारत के 75% कॉर्पोरेट वर्कफोर्स को फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस हैं। घंटों बैठकर काम करने के अलावा इंडियंस दूसरे सेडेंटरी एक्टिविटीज जैसे कि ऑनलाइन गेम्स खेलना, टेलीविजन देखना, गॉसिप करना इत्यादि में दिन के 5 घंटे स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से इंडियंस की ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी काफी लो है। WHO 18+ इंडिविजुअल्स को एक वीक में कम से कम 150 मिनट्स मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होने का एडवाइस करता है, या फिर 75 मिनट्स विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होने का, जबकि करेंटली ऑन एन एवरेज इंडियंस केवल 79 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और अर्बन एडल्ट महज 56.7 मिनट्स की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज में। वहीं गवर्नमेंट द्वारा योगा पर इतना एम्फेसाइज देने के बाद भी केवल 3.5% इंडियंस ही रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ इंडियंस की डाइटरी पैटर्न भी अनहेल्दी हो गई है, जो कि एक और मेजर रीजन है इंडियंस में डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्ट डिजीज जैसी समस्याओं के बढ़ने के बीच।
दोस्तों ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया के बाकी दूसरे एस्पेक्ट के साथ साथ यहाँ के फूड कल्चर पर भी इम्पैक्ट डाला, जहाँ आज इंडियन फूड कल्चर वेस्टर्नाइज होते जा रहा है। वेस्टर्न सोसाइटी की तरह आज इंडिया में भी लोग प्री प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड कंज्यूम करना प्रेफर कर रहे हैं, और समय के साथ ट्रेडिशनल इंडियन फूड की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। ट्रेडिशनल भारतीय खाने में ज्यादातर सीरियल्स और वेजिटेबल शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के स्टेपल डाइट में राइस, चपाती, अलग अलग प्रकार के दाल, चटनी, पिकल्स, बीन्स इत्यादि शामिल हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फाइबर जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रेडिशनल इंडियन डाइट में मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने और ब्रेन की हेल्दी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट की दूसरी बड़ी खासियत है सीजनल फूड पर एम्फेसिस। जैसे कि ठंड के दिनों में जब सरसों की फसल तैयार हो जाती है तो लोग सरसों की अलग अलग डिशेस बनाकर खाया करते थे। साइंटिफिकली सीजनल फूड को अच्छा माना जाता है क्योंकि हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट सीजन के अनुसार बदलते रहता है। जैसे ठंड के दिन में लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जिससे उनकी बॉडी वार्म रह सके, वहीं गर्मियों में पानी वाले फल और सब्जियां जैसे वाटरमेलन और क्यूकम्बर आदि खाते हैं, जिससे बॉडी में वाटर का बैलेंस बना रहे। लेकिन आज के टाइम में सीजनल फूड जैसा कुछ रहा ही नहीं, हर फूड आइटम हर सीजन में अवेलेबल होता है और लोग उसे पूरे साल कंज्यूम करते हैं। इंडिया में आज ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल फूड फास्ट फूड द्वारा रिप्लेस हो रहा है। आज की जनरेशन हाई कैलोरी और फैट से भरे हुए पिज्जा, बर्गर और हॉट डॉग्स जैसे जंक फूड खाना पसंद करते हैं। इंडिया में करंटली फास्ट फूड इंडस्ट्री 18% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है। NSSO के मुताबिक आज इंडियंस अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 2.1% फास्ट फूड पर स्पेंड करते हैं, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर स्पेंड किए गए अमाउंट से भी ज्यादा है। इंडिया में फास्ट फूड की बढ़ती पॉपुलैरिटी का पहला रीजन है कि फास्ट फूड कम समय में तैयार हो जाता है, वहीं ट्रेडिशनल फूड को तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है। शहरों में क्योंकि हर काम को तेजी से करना होता है, लोग हमेशा टाइम की कमी से जूझते हैं, और साथ ही अर्बनाइजेशन के बढ़ने के साथ इसका रेशियो और भी बढ़ता जा रहा है। खाना बनाना तो दूर, आज के लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास खाना खाने का भी वक्त नहीं है। ब्रेकफास्ट दिन में 11 बजे, लंच दोपहर में 3 बजे और रात का डिनर तो लोग लगभग 12 से 1 बजे तक भी कर रहे हैं। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन है कि लोग कहीं ना कहीं फास्ट फूड और फ्रोजन फूड को कंज्यूम करने के लिए मजबूर है। दूसरा, फास्ट फूड की कंजम्पशन बढ़ने के दूसरा कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि ये टेस्ट में अच्छे और चीपर प्राइस में अवेलेबल है। 70 रुपए की थाली खाने के बजाय लोग 40 रुपए की मोमो प्लेट को खाना प्रेफर करते हैं। साथ ही भारत में मिडिल क्लास ग्रुप के डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीमेंट इस फास्ट फूड कल्चर का एक और बड़ा कारण है। इनकम बढ़ने के साथ लोगों के प्रेफरेंसेस में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा इंडियंस रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड कर सकते हैं। साल 2021 में 45 मिलियन कस्टमर्स ने रेस्टोरेंट सर्विसेज और फूड सर्विस इंडस्ट्री का लाभ उठाया है। दोस्तों फास्ट फूड हाई कैलोरी और अनहेल्दी फैट से भरे होते हैं। लोग टाइम बचाने और इसके चीप और टेस्टी होने के कारण फास्ट फूड रेगुलरली कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन लॉन्गर रन में जाकर ये इनके हेल्थ के लिए कैटास्ट्रोफिक साबित हो सकता है और साबित हो भी रहा है। फास्ट फूड खाने से बॉडी में अनहेल्दी कंपोनेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही लोगों को सफिशिएंट अमाउंट में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिसके कारण शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। मल्टीपल स्टडीज ये शो करती हैं कि फास्ट फूड का कंजम्पशन लोगों में ऑबेसिटी, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों भारत में डायबिटीज एक ऐसा साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है जिसपे समय रहते यदि ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक पब्लिक हेल्थ डिजास्टर का रूप लेगा। एक्सेस ब्लड शुगर आईज, किडनी, नर्व्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स को सीवियरली डैमेज कर सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस भी इंक्रीज कर सकता है। आधे डायबिटीज पेशेंट को तो यही मालूम नहीं होता कि वो डायबिटीज के शिकार हैं। इसी वजह से डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। गवर्नमेंट इस साइलेंट एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकती है, जैसे कि जंक फूड और शुगर ड्रिंक्स जैसे अनहेल्दी आइटम्स पर स्पेशल टैक्सेस इम्पोज करना, जिससे प्रोबेबली लोगों इन हेल्दी आइटम्स के कंजम्पशन को कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल कुछ स्टडीज बताती हैं कि बेवरेजेस पर इवन 1% इंक्रीज टैक्स भी इसके कंजम्पशन को 25% रिड्यूस कर देती है। फास्ट फूड के कंजम्पशन को रिड्यूस करने के साथ साथ गवर्नमेंट ट्रेडिशनल फूड पैटर्न को रिवाइव करने के लिए स्टेप्स ले सकती है। फॉर इंस्टेंस टीवी प्रोग्राम के जरिए लोगों के बीच ट्रेडिशनल डाइट पैटर्न की इंपॉर्टेंस को एडवर्टाइज किया जा सकता है। साथ ही गवर्नमेंट डायबिटीज और दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिलेटेड एजुकेशन इनिशिएटिव्स पर भी फोकस कर सकती है, जिससे स्कूल चिल्ड्रन और आम लोगों को डायबिटीज के सिम्टम्स और प्रिवेंशन के वेज के बारे में जागरूक करना।
ताकि देश की युवा पीढ़ी को इस बीमारी से रूबरू कराया जा सके। ऐसा करने से न सिर्फ देश में इस डिजीज का प्रेवलेंस कम होगा, बल्कि साथ ही साथ सरकार के ब्रॉडर गोल्स जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को अचीव करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, डायबिटीज जैसी बीमारियों की एक अच्छी और बुरी बात यह है कि इसका प्रिवेंशन लोगों के खुद के हाथ में है। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर डायबिटीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। फास्ट फूड अवॉइड करना, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना, योगा और एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग लोगों को ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी बीमारियों से दूर रख सकता है। ऐसे में सरकार के प्रयासों को बल तभी मिल सकता है जब लोग खुद प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए अपना और अपनों का ध्यान रखे। तभी देश में इस साइलेंट किलर को सीवियर किलर बनने से रोका जा सकता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या वो प्रिवेंशन हैं जो यूज किए जा सकते हैं डायबिटीज के प्रभाव को रोकने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन ऑन द हेल्थ ऑफ इंडियंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ hours का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 19 जून को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी, तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी।